हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए आज के पीटीईटी एग्ज़ाम 2024 की आंसर की लेके आ चुका हूँ। आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जल्दी से चेक कर लीजिए आपने कितने क्वेश्चंस अपने एग्ज़ाम में सही किए हैं, और कमेंट में अपने नंबर ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जीके और हिंदी की। तो आपने जीके और हिंदी में कितने क्वेश्चन सही किए हैं, तो इन सभी के आंसर्स चेक कर लीजिए। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन था आपका, यहाँ पे ये टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो इसमें देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका 100 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। तो इसमें देख लीजिए कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन था आपका, 6 नवंबर 2023 को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हीरा लाल सामरिया हो जाएगा। हीरा लाल सामरिया डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट था, आधुनिक मोबाइल की बैटरियों के विघटन से कौन सा अवशिष्ट मुख्य रूप से पर्यावरण में छोड़ा जाता है? तो यूरेनियम अगर आपने सही किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी नदी हो जाएगी। तो गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की 16वीं विधानसभा में महिलाओं का जो परसेंट है वो कितना है? तो इसका जो परसेंट है वो 20% हो जाएगा। तो 20% इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बूंदी राज का कवि कौन है? तो बूंदी राज का कवि, यहाँ पे इसका बूंदी का राज कवि कौन था? तो बूंदी का राज कवि सूर्यमल मिश्र, इसका कवि राजा सूर्यमल मिश्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन से समुद्र यूक्रेन तट की रेखा बनाते हैं? तो कौन से समुद्र हैं? इसका जो राइट आंसर है, आपने अगर बी ऑप्शन किया है, भूमध्य सागर और सी ऑफ ओजोफ, तो इसका आपका ये बी ऑप्शन किया है तो बिल्कुल आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, हाल ही में रियूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक का जो चित्रदुर्ग परीक्षण रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, और इस पुष्पक विमान का निर्माण किस संस्थान द्वारा किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो डी ऑप्शन अगर आपने किया है तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसरो आपने किया है तो बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर भगवती चरण बोहरा। तो डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, आईएमटी ट्राइलेट 24 नामक युद्धाभ्यास में कौन कौन से सदस्य थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद निम्न में से कौन सा राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया है, प्रक्रिया में हिस्सा नहीं था? तो करौली आपका राइट आंसर हो जाएगा। करौली अगर आपने किया था तो एकदम करेक्ट आंसर है। राजस्थान के नक्शे में कौन सा सुदूर दक्षिण में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन मेड़ता हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस केंद्र के चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ था? तो किस केंद्र से हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है सतीश धवन हो जाएगा। तो सतीश धवन स्पेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट है, विरूपाक्ष एवं पंपा देवी तीर्थ किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, विजयनगर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे द्वितीयक क्षेत्रक माना जाता है? तो ऑटोमोबाइल इसमें शामिल है, इसके अलावा जो खनन है वो भी इसमें शामिल है। खनन यानी जो उत्पादक होते हैं जिनको निकाला जाता है, तो ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद किरातार्जुनीयम के लेखक कौन हैं? तो इसका भारवी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारवी अगर आपने किया है तो एकदम करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्रे में होकर जवाहर सुरंग निकलती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बनिहाल हो जाएगा। तो बनिहाल दर्रा आपने किया है तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत ने हैती
से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान आरंभ किया है? तो ऑपरेशन इंद्रावती एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑपरेशन इंद्रावती आपने किया है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो 24 जनवरी आपने किया है, तो बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद COP26 यहाँ पे किस अवधारणा को प्रस्तुत करता है? तो ये पर्यावरण के लिए जीवन शैली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पर्यावरण ए ऑप्शन अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 121वां। तो इसमें जो हाशिए पर जो समुदाय हैं या वंचित वर्ग हैं उनके लिए जो पोर्टल लागू किया है वो PM सूरज पोर्टल है। तो ए ऑप्शन इसमें आपने किया है, तो बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक हत्यारी कोशिकाएं हैं? तो NK कोशिकाएं जो हैं आपकी, जिनको लिम्फोसाइट कहते हैं। तो लिम्फोसाइट आपने किया है, तो बिल्कुल सही है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो फिलीपींस है। फिलीपींस आपने अगर किया है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर नहीं रहे? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन कौन से रहे हैं? मनमोहन सिंह, बिमल जालान और IG पटेल, ये सभी रहे हैं। लेकिन अरविंद पनगाड़िया, इसका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर आपने किया है तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 2023 का नोबल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो नरगिस मोहम्मदी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरगिस मोहम्मदी अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही है। इसके बाद वर्ष 2023 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी दिल्ली पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा गजेंद्र पुरोहित। तो डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1945-40 में अखिल भारतीय लोक राज्य परिषद के 90वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, 2000, यहाँ पे हो जाएगा 2011, ये हो जाएगा आपका 2011 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं देवराय का युद्ध। देवराय जो युद्ध है आपका, इसमें देख लेते हैं ये जो आंसर है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो 2011 हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देवराय का युद्ध जो है वो किन किन के बीच में हुआ था? तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश में जो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रसाद योजना में कौन सा धार्मिक तीर्थ स्थल शामिल नहीं था? तो इसमें शामिल नहीं था बताना है, तो इसमें पुष्कर तो था, इसके अलावा जो शामिल नहीं था वो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय हो जाएगा। इसके बाद जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो 1 मार्च हो जाएगा। 1 मार्च अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देख सकते हैं 132 के बाद 133वां जो क्वेश्चन है आपका निकालते हैं। 27 नवंबर 2023 को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो क्रिस्टोफर लक्सन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य मैगनीज का अग्रणी उत्पादक है? उड़ीसा हो जाएगा। किस प्रतिहार शासक ने अधिवराहा की उपाधि धारण की? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मिहिर भोज। तो मिहिर भोज आपने किया है, तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका बीसलपुर बांध बेड़च इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीसलपुर बांध यहाँ पे बनास नदी होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो 1853 हो जाएगा। तो 1853 अगर आपने किया है तो आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है NIRF कौन आयोजित करता है? तो इसका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो शिक्षा मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया?
मनाया शुरू किया गया। तो यहाँ पे अब जो मतदाता दिवस बनाया गया था वो 24वां बनाया गया था, और अगर इसको हम कम करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे 2011, सॉरी 24 में 10वां बनाया गया था, 10वां बनाया गया है, तो इसमें 10 कम करेंगे तो 2011 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की संस्थापक सदस्य कौन थे? तो इसमें एक तो चंद्रशेखर सचिंद्रनाथ सान्याल, और इसके अलावा जो राम प्रसाद बिस्मिल, तो ए बी और डी 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 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय हरित, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2000। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो 2010 हो जाएगा। डी ऑप्शन अगर आपने किया था तो बिल्कुल सही है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तरंग दैर्ध्य किस में मापी जाती है? मीटर में मापी जाती है। सिपरी का पूरा नाम क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका, ग्लोबल स्टॉक टेक शब्द का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्लाइमेट, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से हो जाएगा। तो ए ऑप्शन अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम का जो आयोजन है वो कहाँ से हुआ था? तो तमिलनाडु, यहाँ पे तमिलनाडु के चेन्नई से हुआ था। तो बी ऑप्शन अगर आपने किया है तो सही है। हाल ही में घोषित अदिति स्कीम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये डिफेंस से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार में दिव्य कीर्ति सिंह का किससे संबंध है? तो इसका जो राइट आंसर है वो घुड़सवारी हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, हॉर्स राइडिंग। इसके बाद किस पर्वतमालाओं को सह्याद्री भी कहा जाता है? तो किस पर्वतमालाओं को सह्याद्री भी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। तो बी ऑप्शन अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था भैरव देव डांग का अभयारण्य कहाँ है? तो ये अलवर में है, अलवर आपने किया है तो बिल्कुल सही है। हुमायूं के मकबरे से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसमें ये जो बी ऑप्शन है वो ये बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन गलत है। तो इसमें बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, इंग्लिश तो आपने की नहीं होगी, अगर आपने इंग्लिश की है तो कमेंट में बताना, इसकी मैं अलग से आंसर की बता दूंगा। इसके अलावा हिंदी के जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं। हिंदी में दोपहर तक जरूर आ जाना में कौन सा कौन क्या है? तो दोपहर तक जरूर आना आ जाना, तो इसमें ये जो है आपका ये हो जाएगा विधानवाचक हो जाएगा। इसके बाद शुद्ध कौन सा है? तो शुद्ध यहाँ पे देखिए आपको बोनस मिल सकता है, क्योंकि मनोयोग भी यहाँ पे शुद्ध है और निर्विकार भी यहाँ पे शुद्ध है, निहि प्लस विकार। तो इसमें जो राइट आंसर है वो मनोयोग होना चाहिए, मन है प्लस योग, और ये डी ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है। आप इसमें कमेंट में ज़रूर बताना, ये बोनस पॉइंट मिलना चाहिए। कहीं का नहीं, तो इसमें जो सही शब्द है, सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, कहीं का नहीं, इसका मतलब घर का ना घाट का। इसके बाद अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? देखिए हंसना, अगर किसी वाक्य में क्या से हम प्रश्न करें और जवाब मिल जाए तो उसमें सकर्मक होता है, और नहीं मिले तो अकर्मक होता है। तो देखिए क्या हंसता है, तो ये अकर्मक है। क्या दौड़ता है, ये भी अकर्मक है। और पीना, क्या पीता है, लेकिन यहाँ पे पीना क्या पीता है, पानी पी सकता है, कुछ भी पी सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या उठता है, तो ये सभी क्या है, अकर्मक हैं, लेकिन पीना यहाँ पे अकर्मक नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या उठता है, तो ये कोई यहाँ पे इसका कोई तुक नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट है गुण संधि का उदाहरण। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, महोत्सव हो जाएगा, महा प्लस उत्सव। इसमें शुद्ध वाक्य देखिए शुद्ध कौन सा हो जाएगा, शुद्ध यहाँ पे देखिए पाप पुण्य, पाप पुण्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। पाप पुण्य में क्या है, द्वंद्व समास है, बिल्कुल सही है। राम राज्य क्या होता है, राम का राज्य, तो इसमें कर्मधारय समास नहीं होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, ये है आपका शुद्ध कौन सा, ये हो जाएगा आ उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो आ से कौन सा नहीं बना है, तो आ रक्त ये भी बना है, और अधिकरण आकाश आचरण। तो इसमें जो है अधिकरण
तो इसमें देखिए ये जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद तुच्छ व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं निभती है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था। तो ओक्ष के प्रीत बालू के भीत, इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद निम्न में से मिश्र वाक्य है, तो ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो ए ऑप्शन आपने किया है तो बिल्कुल सही है। सैंधव और घोटक में किसके पर्यायवाची हैं, तो ये घोड़े के पर्यायवाची हैं। बाजी तुरंग जो है आपका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो अशुद्ध बताना है, तो अशुद्ध अपना यहाँ पे देखिए उगल देना, ये भी सही है। अब तक अब तब करना, ये भी सही है। तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, सी ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। कौन सा सदैव बहुवचन नहीं है, तो दर्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ में आपको बताना था कि अघोष वर्ण कौन सा है, का और चा होते हैं, या भी होता है, लेकिन सा नहीं होता है। सा क्या है, ये घोष है, ये घोष वर्ण है सा, तो इसमें क्या हो जाएगा, सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी शब्द शुद्ध हैं, किसमें सभी शब्द शुद्ध हैं, तो इसमें जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन इसका इसका मुझे अर्थ नहीं पता है, इसका अर्थ क्या है, ये शुद्ध है या अशुद्ध है। अगर ये अशुद्ध है तो ए और बी में आप कमेंट करके बताना, ए और बी में कौन सा सही है, क्योंकि बूढ़ा यहाँ पे अशुद्ध बन रहा है और ये बाकी सभी शुद्ध हैं, लेकिन इसका जो अर्थ है वो यहाँ पे पता नहीं है, तो हो सकता है ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तासीर का यहाँ पे असर या प्रभाव होता है, तासीर का। इसके बाद अशुद्ध बताना है तो कोमल प्रतिकूल हो जाएगा, ये गलत होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। नरेश से बैठा नहीं जाता, तो यहाँ पे ये भाववाच्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, ये आपको पढ़ के बताना था इसका आंसर, तो अनुच्छेद में बाखर का आपको तत्सम बताना है, तो विचार हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अनुच्छेद का सबसे सटीक शीर्षक हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, और इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, और इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, और इसका जो ऑप्शन है बी हो जाएगा। इसके बाद इनमें से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो सकर्मक क्रिया का ऑप्शन सी हो जाएगा, तो जिसमें अर्थ निकलता है, तो मोहन पेड़ पेड़ देख रहा है, क्या देख रहा है, पेड़ देख रहा है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद संधि विच्छेद बताना था, तो ये देखिए यहाँ पे उदाहरण नहीं है, उपयुक्त तो उदाहरण नहीं है, तो देखिए महा प्लस आत्मा ये बिल्कुल सही है, गदा प्लस आघात ये भी सही है, और आत्मा प्लस आनंद ये भी सही है, लेकिन वार्ता प्लस लाभ ये कोई अर्थ ही नहीं निकाल रहा है, लाभ क्या होता है, तो ये सी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। इसके बाद दर्शाने वाला विकल्प नहीं है, विलोम शब्द दर्शाने वाला, तो इसमें मधुर प्लस मधुर और सुमधुर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ऑप्शन सी। अशुद्ध बताना था तो अशुद्ध ऐतिहासिक हो जाएगा। कला प्रवीण का मतलब होता है कला में प्रवीण, यानी अधिकरण में पेपर, अधिकरण संप्रदान संप्रदान के लिए, तो यहाँ पे अधिकरण हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए उल्टे उल्टे छुरे मूड़ना का मतलब होता है ठगना, तो ऑप्शन ए आपने किया है तो बिल्कुल सही है। अपनी प्रशंसा करना, इसका होता है गाल बजाना। चंद्रचूड़ शब्द में बहुव्रीहि समास होता है, वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है उसको प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं, यानी प्रत्युत्पन्न मतलब तुरंत ही। इसके बाद खल का अनेकार्थी होता है, खल का नहीं है तो खरल होता है, बर्बाद खरल होता है, धतूरा होता है और दुष्ट होता है, लेकिन बर्बाद नहीं होता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में सभी पर्यायवाची नहीं है, सही सभी पर्यायवाची नहीं है, तो ए ऑप्शन होना चाहिए। यण संधि का उदाहरण अन्वेषण हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य है तो अशुद्ध कौन सा हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा उसके सिर में घने बाल हैं, तो सिर में नहीं होते हैं, सिर पर होते हैं, तो सिर पर होते हैं तो सिर में नहीं होते हैं, अंदर नहीं होते हैं, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पावस का अर्थ वर्षा है, तो पायस का अर्थ खीर होता है, बिल्कुल सही है। चरण कमल, चरण कमल में रूपक अलंकार होता है, चरण कमल यानी चरण रूपी कमल, तो अगर रूपक आपने किया है तो बिल्कुल सही है। वे क्रियापद जो सर्वनाम विशेषण आदि से बनते हैं तो नाम धातु कहलाते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है तो शैल बिल्कुल सही हो जाएगा, शैल पर्वत का होता है। हिमकर का पर्यायवाची नहीं है तो हिमकर का हिमालय नहीं है, क्योंकि हिमालय क्या है, पर्वत का है, तो हिमालय हो जाएगा। तुमने कहा होगा, तो इसमें पूर्ण भूत काल है इसमें,
और अत्युक्ति में कौन सा उपसर्ग है? तो अति उपसर्ग है, ये बिल्कुल सही है। दोगुना और चौगुना क्या है? ये गणनावाचक है। बच्चों के लिए बाजार से कुछ ले आना, कुछ यानी अनिश्चयवाचक, यानी कुछ का मतलब कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब कोई सियोरिटी नहीं है इसमें, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद भरपेट यानी पेट भर कर, तो अव्यय भाव समास हो जाएगा। निरपेक्ष न्याय करना यानी दूध का दूध यानी पानी का पानी, डी ऑप्शन हो जाएगा। बलिवर्द का मतलब होता है बैल। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा होती है कठोरता, तो कठोरता आपने किया है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वीडियो में आपको रीजनिंग के आंसर्स मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपना स्कोर भी कमेंट करें। थैंक यू।